नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बड़ी खबर बिहार चुनावों से जुड़ी आ रही है और वो ये कि तेजस्वी यादव पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। साथ ही साथ गठबंधन की अगर हम बात करें, यानी कि जिसमें कांग्रेस है, वामदल है और जेडीयू है, वो पूरा महागठबंधन अब 114 सीटों पर इस वक्त दिखाई दे रहा है, जबकि एनडीए 122 सीटों का आंकड़ा पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें 123 सीटों का बहुमत चाहिए, उससे सिर्फ एक सीट दूर है एनडीए। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, 122 सीटें एनडीए के खाते में जा चुकी हैं। देखिए, सबसे दिलचस्प यही है कि जो चुनावी समीकरण है वो बदल रहे हैं बार बार। अगर हम रुझानों की बात करें, अगर हम एग्जिट पोल्स की बात करें, तो वहां पर महागठबंधन को साफ तौर पर बढ़त दिखाई दे रही थी। सबने ये मान लिया था, समझ लीजिए, एग्जिट पोल्स को देखते हुए कि तेजस्वी यादव आगे चलेंगे और वो कहीं ना कहीं बिहार की जनता के बीच एक अच्छा और मुकम्मल मुकाम बनाने में कामयाब होंगे। लेकिन अब जब नतीजे आते जा रहे हैं, तस्वीर थोड़ी थोड़ी साफ होती नजर आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन और एनडीए के बीच कड़ी टक्कर, कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि 114 पर है महागठबंधन की सीटें, यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। और दूसरी तरफ ये समझ लीजिए, एनडीए तो बहुमत से सिर्फ एक सीट दूर है। ऐसे में अब ये मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। एक बार मैं आपको बता दूं, जो महागठबंधन है यानी कि जेडीयू, जो एनडीए है उसके जो अलग अलग दल हैं उनको कितनी कितनी सीटों पर बढ़त मिल रही है, ये मैं आपको बता दूं। जेडीयू 50 सीट पर अभी बढ़त बनाए हुए है, बीजेपी 66 पर है, वीआईपी 5 पर है और हमको एक सीट मिली है। जबकि अगर हम बात करें महागठबंधन यानी कि आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट की, तो आरजेडी 76 पर बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस 24 पर और लेफ्ट 12 पर। ये सवाल उठ रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव और उनका जो पूरा महागठबंधन है वो आगे बढ़ते बढ़ते कैसे पीछे हो रहा है। हालांकि कुल मिलाकर गागर में सागर भरने वाली बात यह है कि मुकाबला बहुत दिलचस्प है। अब से एक दो घंटे रुक जाइए और तस्वीर आपके सामने निकलकर साफ होगी।